हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आज आपके सामने फिर वो वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उन नाना जी ने कौन सा आइडिया उनको बताया था जिससे उन लड़के और लड़की की शादी हो गई थी। अगर आप इस वीडियो के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उस पार्ट को देखें, फिर आपको ये पार्ट समझ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब वो लड़के वाले लड़की के घर में शादी के लिए पहुंचे थे तो लड़की के पिता ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि हमारे घर के नज़दीक जो नदी बहती है उसमें जितना पानी आप उतना दूध उसमें बहा दो तो आप मेरी लड़की के साथ शादी कर सकते हैं। तो उन्होंने नाना जी से आइडिया लिया था। तो नाना जी ने ये आइडिया दिया था कि ठीक है, तुम शादी करने के लिए चले जाओ। तो लड़के वालों ने बोला कि कैसे, ये तो हो नहीं सकता। तो नाना जी ने बोला कि तुम उनको सिर्फ ये बात बताओ कि हम उसमें दूध भरने के लिए तैयार हैं, पर पहले आप जितना उस नदी का पानी सभी को बाहर निकालो। तो जब उन्होंने ये बात लड़की के पिता से बोला तो लड़की के पिता ने सीधा बोल दिया कि आपके साथ कोई बुजुर्ग आया है, क्योंकि उन्हें पता था इतना ज़्यादा बुद्धिमान केवल एक बुजुर्ग ही हो सकता है। तो इससे एक बात तो आप समझ गई होगी कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं। तो अपनों से बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करें ताकि आप हर उस बड़ी से बड़ी मुसीबत को आसानी से हल कर सकते हैं। होप मी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये आइडिया जान के बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचते। आइए अब चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात है, आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ जो ठोकर लग के टूट जाती है तो वो कभी नहीं बनती है, पर एक कामयाबी ही एक ऐसी चीज़ है जो ठोकर लग के ही हमें प्राप्त होती है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ठोकर लग के हमेशा टूट जाती हैं, चाहे वो कांच हो, सपने हो या कुछ हो, पर ठोकर लग के ही हमें कामयाबी प्राप्त होती है। तो होप मी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।